बदलापुर कांड के आरोपी के एनकाउंटर पर जहां सियासत जारी है, तो वहीं आज इस मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट में भी सुनवाई हो सकती है। आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने एसआईटी जांच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया है। अक्षय के पिता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि उनके बेटे को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट से जांच की निगरानी करने का भी गुहार लगाई है। अक्षय के पिता की याचिका पर न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ आज सुनवाई करेगी। आरोपी का पोस्टमार्टम हो चुका है, लेकिन अक्षय शिंदे के परिवार वालों ने एनकाउंटर को फर्जी बताकर शव लेने से इनकार कर दिया। एनकाउंटर की जांच के लिए हाईकोर्ट में पिटीशन तक फाइल की गई है। महाविकास अघाड़ी के नेता भी इस मामले में पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच शिंदे सरकार भी एनकाउंटर की जांच के आदेश जारी कर चुकी है। थाने पुलिस ने 8 सदस्यों की जांच कमेटी बनाई है। थाने के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमेटी में 2 डिप्टी कमिश्नर, 2 ACP और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। अक्षय शिंदे बुधवार पुलिस एनकाउंटर के दौरान मारा गया। उसके बाद से विपक्षी नेता एनकाउंटर पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कमेटी ये जांच करेगी कि किन परिस्थितियों में अक्षय शिंदे को पुलिस वैन में गोली लगी। तो महाविकास अघाड़ी के नेताओं का आरोप है कि अक्षय शिंदे बदलापुर की घटना के सारे राज जानता था। वो दूसरे लोगों के नाम बता सकता था जिन्हें पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए अक्षय शिंदे का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब इसको गाड़ी से कहीं लेके जा रहे थे और गाड़ी में ही इसकी हत्या की गई, और ये कहा जा रहा है कि सेल्फ डिफेंस के लिए पुलिस ने हत्या की। इसके हाथ में बेड़िया है, वो किसी आदमी का रिवॉल्वर कैसा छीन सकता है और कैसे फायर कर सकता है, और उसको बराबर सर पे गोली लगी है। ये इतना निम्बाज शूटर कौन था ये पुलिस में? पुलिस ने खुद को शक के दायरे में खड़ा कर दिया है, खुद को। अक्षय शिंदे क्या को कुछ ज़्यादा मालूमात थी उसके लिए उसको मार दिया गया? अक्षय शिंदे कभी ना कभी ये खोल देगा कांड, इसलिए उसको मार दिया गया? ऐसे कई सवाल महाराष्ट्र के और देश के दिल में आएंगे। विपक्ष को अभी दूसरा कुछ बचा नहीं है। विपक्ष जो है लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र में कैसे खराब हो, उसके लिए बदलापुर में रेल रोको किया उन्होंने। बदलापुर में जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर उस दिन पूरा बिगाड़ने का काम किया, लोगों को भड़काने का काम किया। तभी वही लोग वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि आरोपी को हमारे ताबे में दो, हम आरोपी को शिक्षा देंगे। आज आरोपी को जो है वो शिक्षा वहां पर मिली है। तो अभी आज इनको दुख हो रहा है कि जो आरोपी 4 साल की बच्ची पर अत्याचार कर रहा था, लोगों से मांग हो रही थी कि लोग हमें जो है आरोपी हमारे ताबे में दो, आज जहां पर आरोपी पुलिस पे फायरिंग कर रहा था, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में फायरिंग किया, तो अब इनको दुख हो रहा है। मुझे लगता है कि ये दुख जो है विरोधियों को इतना दुख होगा कि आने वाले समय में वो श्रद्धांजलि सभा भी वो आरोपी के पक्ष में ले सकते हैं।